नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई, बारिश का मौसम है और हर जगह दबा के पानी बरस रहा है, जिस वजह से सड़कें बहुत ही जल्दी गीली हो जाती हैं। अब जब सड़कें गीली हो जाएंगी तो आपको और भी संभल कर चलना पड़ेगा। मतलब जिस रोड की स्पीड लिमिट 60 है, उस पर अपने गाड़ी को 40 की स्पीड में ही रखना है, ताकि अचानक से ब्रेक मारने पर या टर्न वगैरह लेने पर आपकी गाड़ी स्किड होकर अनकंट्रोल ना हो और कोई एक्सीडेंट ना हो। हालांकि लोग कहां ये सब समझते हैं, उन्हें तो बस गाड़ी भगाने से मतलब होता है। फिर चाहे मौसम कोई सा भी हो और रोड पर आगे कितना भी खतरा हो, फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा ही कुछ आप आज के इस एक्सीडेंट में भी देखेंगे, जिसे रिसेंटली कार टॉक ने अपने वेबसाइट पर शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली केरला में किसी जगह पर मारुति सुजुकी ऑल्टो और एक डंपर के बीच हुआ है। Audi, BMW. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक BMW X6 और ऑल्टो वाले भाई दोनों ही लोग अपनी गाड़ी को लेकर थोड़े तेज रफ्तार में और बड़े ही जल्दबाजी में दूसरे गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए निकल रहे हैं। अब इन दोनों के बीच कोई रेस लगा हुआ है या ऐसे ही ऑल्टो का ड्राइवर BMW का वीडियो बनाने के चक्कर में उसके पीछे अपनी गाड़ी भगा रहे हैं, वो तो नहीं पता। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद एक ट्रैफिक सिग्नल पर अचानक हैचबैक अनकंट्रोल हो जाती है और सामने खड़े डंपर के बैक साइड में घुस जाती है। यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि BMW के क्रॉस करते ही सिग्नल रेड हो गया, जिससे सारी गाड़ियां रुक गईं। लेकिन ऑल्टो वाले भाई का ध्यान पता नहीं कहाँ था, ये BMW को देखने के चक्कर में भूल गए कि ब्रेक भी लगाना है, और जब तक ये समझ पाते गाड़ी घुस गई। खैर, गाड़ी के बाद की कोई फोटोज नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड ठीक ठाक थी, इसीलिए टक्कर भी जबरदस्त हुआ होगा। हालांकि ऐसा लग रहा पैसेंजर्स सेफ हैं। तो भाई, आप देख सकते हैं किस तरह भाई लोग भावनाओं में बह गए हैं। क्या जरूरत थी BMW का पीछा करने की, उसमें दुनिया भर के सेफ्टी फीचर्स हैं, चौड़े पहिए हैं और खुद इतनी बड़ी गाड़ी है कि वो ऐसे सिचुएशंस में जल्दी अनकंट्रोल नहीं होगी। लेकिन भैया, आपके गाड़ी में तो ABS भी नहीं है। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। खैर भाई, बारिश के समय या नॉर्मल डेज में भी ऐसी गलतियां मत करें, वरना आप अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।